Parents and teacher plays an integral part. Parents and teachers are plural tools. Play an integral role in everyone's life. It is often, and know, teenagers who do not receive community-based and emotional learning from their progenitors and tutors are more inclined towards silly collections. I am at complete accord with the statement. This is fine. To embark upon in this contemporary world, most, uh, most of the parents are dual career couples. Dual career couples. I don't know whether this term exists or not. You can see both the parents are working. Let me read the idea first, then I'll suggest. In this contemporary world, most of the parents are dual career couples. The current economic condition of this modern era demands parents to spend more time at work. To be more precise, nowadays both the parents are in a rat race of earning money to fulfill all the needs of their family. this has consequently created interactions of fewer interactions created ni this has led to fear interaction between progeny and progenitors resulting in precluding youngsters from learning basic emotional lessons and this is fine to ye aapka main idea hai pehle yahan par aapne bataya तो इसको अच्छे से communicate करने के लिए एक मिनट आपने लिखा है द current economic condition की वजह से वो ज़्यादा time काम पे स्पेंड कर रहे हैं तो कंप्लीट आइडिया कैसे होगा जब हम कहेंगे ना कि इमोशनल लर्निंग इसकी वजह से वो नहीं दे पा रहे हैं तो यू कैन से द तो जो लैक ऑफ इमोशनल लर्निंग का जो ये फिनोमिनन है यू कैन से इसको हम फिनन अगर नाम दें तो द फिनोमिनन ऑफ द फिनोमिनन

आर कंपेल टू स्पेंड मोर टाइम एट वर्क दिस विल बी आर लाइन फर्स्ट लाइन टॉपिक सर क्योंकि इसमें मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना लिख रहे हो कि बहुत बौद्ध पेरेंट्स जो है काम पे ज्यादा टाइम स्पेंड करें लेकिन यहाँ ये मिसिंग है कि इसकी वजह से वो वैल्यूज नहीं दे पा रहे मतलब तो ये लाइन भी तो ज़रूरी है ना कि इसकी वजह से वैल्यूज़ नहीं दे पा रहा अदरवाइज इस लाइन का मतलब क्या है वर्थ क्या है वो कंप्लीट कैसे होगा कि ये आप क्यों लिख रहे हो कि वो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो इसीलिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया कि जो फिनामिनन ऑफ नॉट बिंग एबल टू इंकलकेट नेसेसरी वैल्यूज़ की ये जो फिननननन मीन समझ लो ये जो कंडीशन सिचुएशन है ना वैल्यूज दे पाने की ये आती है से आती है आज के वर्क कल्चर की वजह से ठीक है द फिनिनन ऑफ नॉट बींग एबल टू स्पेंड ऑर डिबोट टाइम सॉरी इंकलकेट इंकलकेट मीन्स किसी में कुछ वैल्यू ये टीचिंग डालना तो नॉट बींग एबल टू इंकलकेट द फिनननन ऑफ नॉट बिंग एबल टू इनकलकेट नेसेसरी वैल्यूज इन द चिल्ड्रंस टर्म्स फ्रॉम मीन्स अराइजेज फ्रॉम द वर्क कल्चर वर्क कल्चर से आता है ये फिनॉमिनन वेयर के बाद हम बता सकते हैं कि uh, उसमें क्या होता है वर्क कल्चर में वेयर पेरेंट्स आर नॉट बींग एबल टू स्पेंड सॉरी वेअर पेरेंट्स आर कंपेल्ड टू स्पेंड मोर टाइम एट वर्क जहाँ पेरेंट्स को ज़्यादा टाइम काम पे लगाना पड़ता है तो ये नेसेसरीली कम्युनिकेट हो जाएगा थोड़ा सा कम्युनिकेट होना चाहिए पॉइंट तो नहीं तो टॉपिक सेंस लगेगा ही नहीं ये तो तो समझ नहीं आ रहा था कि किससे रिलेटेड है कि वो ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं वैल्यू ना देने से रिलेटेड है वो भी लिखना है ना टू बी मोर प्रिसाइस नाउ अ डेज बोथ द पेरेंट्स आर इन द रेडरेस ऑफ अर्निंग मनी टू फुलफिल ऑल द नेसेसरीज ऑफ दिस हैज कंसिक्वेंटली तो विच हैज कंसिक्वेंटली ले लो एटलीस्ट ट्राई टू मेक लेंथी एंड लेंसेज विच हैज़ कंसिक्वेंटली क्रिएटेड इन लेट टू फीयर इंट्रेक्शन बिटवीन प्रोजेनी एंड प्रोजेनिटर्स रिजल्टिंग इन प्रिक्लूडिंग एस्टर्स फ्रॉम दिस इज फाइन अकॉर्डिंग टू अ सर्वे चाइल्ड साइकोलॉजी डिपार्टमेंट इन परसेंट ऑफ रिस्पॉन्डेंस हुईम है चाइल्डहुड दिस इज फाइन टू द लेकिन थोड़ा सा वर्किंग भी इसको कनेक्ट करो है टेंशन फ्रॉम द पेरेंट टू दैम बींग बिजी एट द वर्क कि उन्होंने ये माना कि वो उन्हें टेंशन नहीं दी गई थी अपने चाइल्डहुड में बिकॉज uh, वो बिजी रहते थे दिस आइडिया इज़ ऑल्सो फाइन मतलब द वे इट इज कम्युनिकेटेड इज ऑल्सो गुड कि मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टमेंटर नावो डेज में इसके बाद कॉमा टीचर्स टीचर्स फोकस मोर ऑन अकेडमिक अकम्पलिशमेंट्स मोटिवेटिंग दैम टूवर्ड्स मटीरियल थिंग्स

की तरफ नहीं मोटिवेट करती उनकी वैल्यू जो है मोटिवेटिंग मटीरियल थिंग्स की वैल्यू को एम्फेसाइज करती हैं एम्फेसाइजिंग द वैल्यू ऑफ अमासिंग मटीरियल थिंग्स की मटीरियल थिंग्स इकट्ठी करने की वैल्यू को वो करती हैं कि वी हैव टू बी रिच अस में करना या मटीरियल थिंग्स के बजाय वेल्दी होने के लिए द रेलिवेंस ऑफ बींग वेल्दी यू कैन से अंडर स्कोरिंग रेलिवेंस ऑफ बींग वेल्दी मतलब वो यहाँ पर मोर ऑन अकेडमिक अकम्पलिशमेंट एज दे अंडर स्कोर द फैक्ट दैट क्योंकि वो इस फैक्ट को हाईलाइट करती हैं कि अब मैंने अकेडमिक स्कोर उन्हें वेल्दी बना सकते हैं ओनली उन्हें वेल्दी बना सकते हैं थोड़ा सा लिंक आएगा ना कि अकेडमिक अकम्पलिशमेंट पर जो है उन्हें लाइक फोकस ज्यादा करती हैं ये सीधा मटीरियल थिंग्स कहाँ से आ गया क्योंकि वो उन्हें बताती है ना कि अकेडमिक स्कोर से वो मतलब मटीरियल थिंग्स अचीव कर सकते हैं कॉमा एस Uh, they underscore means emphasize the fact that uh okay, academic accomplishments are the prominent way of accumulating wealth. They only uh, bothers ni bother about the grades as a result of which they are lacking behind to educate how to educate the youngsters on how ga, on how to behave among people in the society. I capital always single I capital always totally agree that teachers. Te ई ए सी एच ई आए एस टीचर्स एंड पेरेंट्स आर रिस्पांसिबल टू टीच चिल्ड्रन ऑल दट काफ दे फेल टू गिव दैम प्रोज लीड्स टू डेवलप इट लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ अगर आप इफ वाला सेंटेंस यूज करते हो तो कॉमा के बाद इंडिपेंडेंट क्लॉज आता है ना इट लीड्स टू यानी कि कंप्लीट सेंटेंस आएगा लीड्स टू से सेंटेंस नहीं बन सकता इट लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लमेटिक थॉट्स एंड अब यहाँ पर ये कंक्लूजन टोटली अनरिलेटेड है मैं हमेशा कहती हूँ कि आपका कंक्लूजन में बी पी वन बी पी टू समप होना चाहिए तो वो जो सोशल एंड इमोशनल लर्निंग नहीं दे पा रहे उसको जो आपने उसके जो रीजंस दिए हैं दिस वन एंड द वन इन द बीपी उन दोनों को सम अप करना था और यहाँ तो कुछ और ही आ गया समथिंग डिफरेंट कि उसके कि इफेक्ट्स आ गए इसके इफेक्ट्स क्या हैं प्रॉब्लमेटिक एंड ऑल दैट बट ये तो कंक्लूजन नहीं है ना कंक्लूजन इज समरी ऑफ बोथ द बीपीज प्लस योर ओपिनियन आर्ग्यूमेंट थी टीचर्स वो नॉटी टीनेजर्स जिन्हें कम्युनिटी लर्निंग नहीं मिलती वो क्राइम जो है ज्यादा करते हैं इलिसिट एक्शंस ज़्यादा करते हैं तो यहाँ पर कम्युनिटी लर्निंग जो है एबसेंस ऑफ सोशल लर्निंग जो है किसका रिजल्ट है इज द रिज़ल्ट ऑफ नॉट पेरेंट्स नॉट बींगल टू नॉट बींग एबल टू डिट प्रोपर टाइम टू चिल्ड्रन बाई पेरेंट्स एंड दूसरा वाला जो यहाँ पर रीज़न दिया था एंड द फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम ऑफ टूडे वेयर एंड ग्रेड्स आर एम्फोसाइज्ड मोर दैन द वैल्यूज तो ये दो पर्टिकुलर रीजन आपने दिए तो यू हैम अप परफेक्टली अब पर एक और चीज है जो रह गई आपने ये तो अच्छे से बता दिया कि सोशल इमोशनल लर्निंग क्यों नहीं दी पा दी जा रही लेकिन क्या क्वेश्चन ने रीजन पूछा एक बार देखो आ, क्राइम से रिलेट किया हुआ क्वेश्चन ने इसको कि सोशल एंड इमोशनल लर्निंग ना दे पाना जो है वेट। कि सोशल एंड इमोशनल लर्निंग ना दे पाने की वजह से वो क्राइम कर रहे हैं तो क्या क्राइम का रीज़न लैक ऑफ सोशल एंड इमोशनल लर्निंग है या नहीं दिस वाज द क्वेश्चन मेन क्वेश्चन तो आपने तो रीज़न दिया है कि सोशल इमोशनल लर्निंग क्यों नहीं मिल रही यहाँ पर अभी मैंने चेक किया अकॉर्डिंग टू कॉर एंड क्वेश्चन कि अगर आपने रीज़न लिखना हो तो कैसे प्रेजेंट करोगे लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है ये नहीं कह रहा कि सोशल इमोशनल लर्निंग क्यों नहीं मिल रही ठीक है ना ना ही उसके इफेक्ट्स पूछ रहे हैं वो क्या कह रहा है क्राइम क्या क्राइम का यही रीज़न है कि उन्हें सोशल इमोशनल लर्निंग नहीं मिल रही क्राइम करने का ये रीज़न है क्या वो इलीगल एक्टिविटीज़ इसकी तरफ वजह से कर रहे हैं तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ना इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लिटिल कॉम्प्लिकेटेड तो यहाँ पे आपने ये तो लिखा uh, कि क्यों नहीं मिल रही ठीक है इस चीज को भी लो लेकिन फिर उसको ना एंड में पैराग्राफ को क्राइम से भी रिलेट करो कि इसकी वजह से वो एंटी सोशल एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी के uh, Uh, कैन से इस कंपनी में आ जाते हैं पेरेंट्स सर्विलेंस नहीं रख पाते क्योंकि यहाँ पर उस इफेक्ट आर राइट कि हाँ इफेक्ट की तरफ क्वेश्चन जा रहा है ना आप देखो कि क्या क्राइम इसीलिए करते हैं आर्ग्यूमेंट क्या थी टीनेजर्स जिन्हें सोशल इमोशनल लर्निंग में मिलती है वो क्राइम करते हैं बट क्राइम तो आपके दोनों बी में कहीं नहीं आया तो दोनों बी में इफ, इफेक्ट की तरफ इसे घुमाना पड़ेगा कि हाँ ये रीज़न होता है और इसकी वजह से वो एनी सोशल एनिमल्स की कंपनी में आते हैं राइट एंड रॉन्ग उन्हें नहीं पता चल पाता है देन दे मूव टूवर्ड्स द डिस्ट्रक्टिव दैट बात एंड फिर एजुकेशन uh, वाले पैराग्राफ में भी थोड़ा सा वी हैव टू मोल्ड इट टूवर्ड्स क्राइम थोड़ा सावर्ड है क्वेश्चन का ट्राई नॉट टू स्कीप एनी ऑफ द इम्पोर्टेंट की क्वेश्चन एंड रीड क्वेश्चन अगेन एंड अगेन टू इंश्योर दैट यू आर गोइंग ऑन ट्रैक टास्क अचीवमेंट सिक्स क्वर इन क्वेश्चन 6.5 grammatical range and accuracy 7.5 lexical resource okay okay 6 because you need to add more vocab you have to add all these and divide by 4 in order to get your average score and the task is fine but my motive is improvement always so i will check it critically uh, not leniently to understand this also